इसे देखकर कोई बता सकता है ये हमने घर में बनाया है और वो भी बची हुई रोटियों से बनाया है। साथ ही बहुत ही कम चीज से बनके 5 मिनट में तैयार हो जाती है ये। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बची हुई रोटी से बनने वाले झटपट से रोल की रेसिपी। साथ ही बनाना इसको बहुत बहुत ज्यादा आसान है, 5 मिनट से भी कम समय में बनके तैयार हो जाता है और घर में ही रखी कुछ ही चीजों से आप इसको बना पाएंगे। साथ ही खाने में इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब तेल डाला है। आप चाहो तो इसको घी में भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक का पैन यूज किया, इसलिए तेल का यूज मैं कम कर रही हूँ। आप अगर नॉर्मल वाली कढ़ाई में बना रहे हो तो थोड़ा सा आप तेल बढ़ा लें। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2-3 लहसुन की कलियाँ, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप लहसुन ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमको फुल पे ही रखना है पूरी प्रोसेस में। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्का सा भून लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हल्का सा ब्राउन होने लग गया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 प्याज, थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटा है मैंने लंबे स्लाइस में। इसको अब ज़्यादा पतला या बारीक ना काटें, नहीं तो ये खाने में अच्छा नहीं लगता है इनमें। अब देखिए फुल फ्लेम पर ही हम हल्का सा इसको भून लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, जो भी सब्जी आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हों हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए, थोड़ा सा उसकी बाइट आनी चाहिए, तभी खाने में अच्छा लगता है। साथ ही में यहाँ पर अब डाल देंगे 1/2 शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है, बीजे इसके मैंने निकाल दिए हैं। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है, करीबन 1/2 कप ये पनीर होगा। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसमें आप चाहो तो गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि पनीर हल्का सा गोल्डन होना ना स्टार्ट हो जाए। और ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हमको फुल पे ही रखनी है, क्योंकि अगर हम धीमे आँच पर पनीर को पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्का सा पनीर पे भी कलर आ गया है गोल्डन और प्याज भी गोल्डन हो गई है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो स्किप कर सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, या मैं रेड चिली सॉस डाली है। साथ ही में 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटो सॉस। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा ना डालें। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि जो हमने सॉस यूज़ करी है और सोया सॉस भी यूज़ करी है उसमें नमक होता है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब चाट मसाला। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च। ये भी 1/4 टीस्पून से थोड़ी कम ही मैंने यूज़ करी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और ये हमारी जो रोल की स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने इसको फुल फ्लेम पर पकाया है, इसलिए ये सब्जियाँ थोड़ी सी क्रंची रहेंगी, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सब्जियों को आप बड़ा बड़ा काटेंगे तो वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं पास से। अब इसको हम गैस से उतार लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है बची हुई रोटियाँ। आप चाहो तो ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं या पराठा बनाकर भी इसमें फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बची हुई रोटियों का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है, इस पर थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, और हल्का सा ही घी लगा करके ये रोटियों को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। दोनों तरफ घी लगा देंगे, ऊपर और नीचे, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे। तो जब तक मैं इन्हें सेकती हूँ, तब तक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो और इसी तरह की और भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए रोटी मैंने अच्छी तरीके से सेक ली है, इसी तरीके से आप बाकी की रोटियां भी तैयार कर लें। अब चलते हैं रोल को असेंबल करने की प्रोसेस में। आप चाहो तो इसे फ्रेंकी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकी हुई रोटी ली है उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने मेयोनीज डाली है। अच्छे से दोनों को मिक्स करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। पूरी रोटी पर अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। अब थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने, कच्चा प्याज लिया है, इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो बारीक भी काट सकते हैं प्याज को, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर गाजर, सलाद के पत्ते या फिर पत्ता गोभी को भी बारीक काट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में यूज़ किया जाता है।
अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी पनीर की, वो हम डाल देंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से फैला लेंगे लंबाई में। उसके बाद में डाल देंगे हम सभी का फेवरेट चीज़, इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। अगर आपको चीज़ ना डालना हो तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं, उतना ही टेस्टी बनेगा। और जब हम इसको गरम गरम स्टफिंग के ऊपर इस तरीके से ग्रेट करते हैं ना, तो ये मेल्ट हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बस इस तरीके से हमने रोल को बंद कर लिया है, तो इसको बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए जो फूड रैपिंग पेपर आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से रैप कर देंगे हम, और बस ये लीजिए, तैयार है बची हुई रोटी से बनी हुई एकदम टेस्टी रेसिपी। आप इसको पनीर रोल भी बोल सकते हैं, चाहो तो वेज पनीर फ्रेंकी भी बोल सकते हैं, या फिर पनीर चिली रोल भी बोल सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये एक रोल तैयार हो गया है, दूसरा रोल भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है एकदम टेस्टी रेसिपी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो देखा आपने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई है, और साथ ही इतनी टेस्टी रेसिपी। आप बची हुई रोटी से बनाएंगे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने बची हुई रोटी का रीयूज़ किया है। आप ये अगर बच्चों को बना के देंगे ना, तो वो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे, साथ ही में बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, साथ ही मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही में इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।